हेलो जी, सत श्री अकाल सारे नूं। मैं संदीप गिल तुहाडा सारयां दा वेलकम करनी आं अपने चैनल ते। सब तो पहला मैं तुहानूं पुछना चाहूँगी, तुसीं कमेंटां दे विच जरूर रिप्लाई करो वी कल वाली रेमडी तुसीं ट्राई कीती कि नहीं कीती, क्योंकि वह बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट आउंदे उहदे। एंड नैक्सट अज जिहड़ी मैं तुहाडे नाल टू स्टैप फेशियल ट्राई कर रही हां, यानी कि शेयर कर रही हां, ते मैं फटाफट वीडियो बना रही सी। जदों मैं वीडियो बना रही सी तां सुबह दा टाइम सीगा, तकरीबन 9:30 दा टाइम सी, ते मेरे पोचे लगाउण वाले पए सी अजे घरे। बाकी गल्लां आपां बाद विच करांगे, तुसीं मेरे ब्लॉग्स वाला चैनल देख सकदे हो। एंड उस तो बाद मैं सोचा भी इनू मैं ट्राई करना, बट मैं वीडियो बनानी सी तुहाडे नाल शेयर करनी सी। एंड इस करके मैं तुहानू जिहड़ा अपने हाथी इनू ट्राई करके दिखाऊंगी, ते तुसीं इस फेशियल नू जरूर ट्राई करना। सो इहदे लई आपां नू, मैं तुहानू दस दिया भी आपां नू चाहिए जी कॉफ़ी, ते कॉफ़ी तो बिना यह फेशियल बिल्कुल नहीं बन सकता। सो इहदे लई आपां एक चमच इस तरह का छोटा कॉफ़ी का लवेंगे। उस तो बाद आपां नू चाहिए है चीनी, तुसीं दाणेदार चीनी लै सकते हो। बस इन्ना का ध्यान रखना भी, सब तो पहले मैं तुहानू दसना भुल गई, ये आपां बना रहे जी स्क्रब। स्क्रब बनाने लई चीनी का आपां यूज़ हमेशा करते हैं कॉफ़ी के अपन चाहिए चीनी। जेकर दाणेदार चीनी है नहीं, तो इस तरह की बरीक चीनी जरा दरदरा पीस सकते हो, जो भी मैथड थानू ईजी लगता उस तरीके ना चीनी जो पीसना, ज़्यादा पाउडर नहीं बना। इस तरह बिल्कुल दाने बरीक दिस रहे हैं ना, इस तरह तुम्हें बरीक पीस लेना। जेकर चीनी थोड़े को मोटी दाने वाली है नहीं, तो बरीक दाने वाली है, तो जरा उस तरह ही यूज़ कर सकते हो, क्योंकि थोड़ा देर जो आप स्क्रब बना के रखते हैं तो मेल्ट हो जाती अपने आप। सो ज़्यादा मोटी चीनी का यूज़ स्किन नहीं करना चाहिए। एंड उस तो बाद आप लैमन जूस चाहिए है। लैमन है जरा फ्रैश नहीं सी, बट आप जूस चाहिए सी, तो लैमन थोड़ा जहा सुक चुक है, एक दो दिन पुराना सी फ्रिज के पाया सी, पर जरा जूस है वह बहुत ही फ्रैश से ये, तो इस करके अद्धे लैमन का मैं जूस ये पाया। सो ज़्यादा लैमन आप इस करके पाया भी जिमें आप रोज़ वाटर लगा लगा के स्क्रब करते होंगे ना, उस तरह जो कॉफ़ी तो लैमन का अपने को पानी बन गया, इतने वाटर बन गया ना, जूस बन गया, जो भी कह लो, तो उन्होंने आप लगा लगा के स्क्रब करा। वीडियो मैं फास्ट करती है, तुम्हें बहुत तेज़ दिख रहा होगा भी मैं स्क्रब कर रही हूँ, पर मैं तुम्हें दस दें जो भी स्क्रब करना पहला तो तुम्हारा फेस है चंगी तरह क्लीन होना चाहिए ठंडे पानी का। उस तो बाद स्क्रब में तुम्हें सर्कुलर मोशन के करना है। उस तो बाद स्क्रब में हफ्ते के सिर्फ 2-3 बारी ही ट्राई करना है, सारा हफ्ता स्क्रब नहीं करना, ज़्यादा स्क्रब भी स्किन लिए नहीं चंगा हूँ, स्किन डैमेज हो जाती है। उस तो बाद स्क्रब में तुम्हें सर्कुलर मोशन के इस तरह हत्था ना ज़्यादा दबा नहीं पाना, बिल्कुल हल्के हत्था ना तुम अपनी उंगलों को घुमाते हुए इस तरह स्क्रब करना है। वीडियो मैं तुम्हें पहला दसते मैं तेज़ करती है, बट तुम स्क्रब है जो बिल्कुल हौली हौली हल्के हल्के हत्था देखो इस तरह मैं लगा रही हूँ ना, लैमन वाला जूस से कॉफ़ी का जो भी जूस बन चुके हैं उन्होंने लगा लगा के स्क्रब तुम करना। चलो जी, मैं भी अपने फेस से जो बाथरूम एरिया को जाके स्क्रब कर दी हूँ, तो मैं तो रह नहीं जाता, क्योंकि कॉफ़ी वाले स्क्रब फेस पैक जो भी मेरे फेवरेट होंगे, कॉफ़ी सब तो ज़्यादा फेवरेट है मेरी, तो कॉफ़ी वाला फेशियल मैं बहुत वधिया लगता। जेकर तुम भी कॉफ़ी वाला फेशियल देखना चाहते हो तो यह आई बटन के उपर तुम क्लिक करके देख सकते हो। सो आप जरा स्किन है वॉश कर लिया, तो उस तो बाद हम आप बनावे फेस पैक। फेस पैक बनाने वास्ते भी आप चाहिए जी कॉफ़ी, कॉफ़ी तुहाडे कोल जरूर 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 होनी चाहिए है इस टू स्टैप फेशियल लई। उस तो बाद कॉफ़ी के आप पावे जिनी कॉफ़ी लेती है उन्ना ही आप पावे बेसन। तुम बेसन की जगह पर चावल का आटा भी यूज़ कर सकते हो, घर के चावल में पीस के चावल का आटा बना सकते हो। उस तो बाद आप पावे गुलाब जल, गुलाब जल आप इन्ना क पाना भी अपना फेस पैक ना ज़्यादा गाढ़ा बने ना ज़्यादा पतला। तुसी इत्थे दही कच्चा दुध भी पा सकते हो, कच्चा दुध दही सब तो बेस्ट हुंदा, गुलाब जल तो हुंदा ही हुंदा बेस्ट। सो इस तरह चंगी तरह इनू मिलाते हुए आप जिहड़ा बना लेना अपना फेस पैक। फेस पैक अपना बन चुका है जी, स्किन नू चंगी तरह वॉश करके फेस पैक नू आप इस तरह लगाना गा। फेस पैक में पहला तो जो स्क्रब ही करोगे ना, फर्स्ट स्टैप तुम करोगे तो उस तो बाद ही फर्क नज़र आजूगा, तुहाडी स्किन इन्नी ज़्यादा ब्राइट बन जूगी, इन्नी ज़्यादा मतलब सोहनी स्किन बन जूगी, तुहाडी बहुत ज़्यादा ग्लो करन लग जू। स्पैशली जिहड़ा कॉफ़ी का मैं टू स्टैप तुहाडे नाल फेशियल शेयर कर रही हूँ, इहदे नाल तुहाडी स्किन ते इन्नी ज़्यादा तुहाडी स्किन की रंगत निखर जूगी, तुहाडी स्किन इन्नी ज़्यादा ब्राइट बन जूगी, तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बन जूगी। सो इहदे रिजल्ट इन्ने वधिया होणगे, तुसीं खुद कमेंट करके कहोगे, कमेंट करके प्लीज़ तुसीं रिजल्ट जरूर शेयर करया करो मेरे ना, क्योंकि मैनू भी फिर हौसला मिलता है, तो वधिया वधिया वीडियो तुहाडे लई बनाउण दी भी हाँ तुसीं यूज़ कर रहे हो, तो तुहानूं फायदा मिल रहा मेरिया वीडियोज़ दे नाल। सो इस तो बाद आप स्क्रब में 15 मिनट ही सॉरी फेस पैक में आप 15 मिनट ही रख देने, 15 मिनट रखने तो बाद जो हल्का जहा ड्राई हो गया उस तो बाद आप धो देंगे। सो इस तो बाद आप क्लीन कर लिया अपनी स्किन, दोनों हाथों के खुद ही फर्क देख सकते हो भी जिधरली साइड अपने कड़ा पहनया हुआ उधरली साइड आप स्क्रब तो फेस पैक अप्लाई किया कि ज़्यादा फर्क पै गया। लैमन जो होंगे जी मैं तुम्हें दसद भी नैचुरल ब्लीच हों, तो ये बहुत ज़्यादा विटामिन सी हों, कॉफ़ी अपनी स्किन इन्नी ज़्यादा ब्राइट कर दी ना, अपने स्किन रंग निखार दी है, बहुत ज़्यादा अमेजिंग रिजल्ट आने।
ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਹੀ ਹੁਣੇ ਹੀ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਇਹ ਟੂ ਸਟੈਪ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਨੂੰ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਕੌਫੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੰਗਵਾਓ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਸ਼ਾਪ ਤੋਂ, ਐਂਡ ਇਸ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਟੂ ਸਟੈਪ ਕੌਫੀ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ। ਚਲੋ ਜੀ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਅਤੇ ਬਾਏ ਬਾਏ।